झारखंड के दुमका जिला में हो रही है बंपर भर्ती। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मौका को आपको हासिल करने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, ये मेरा वादा है। अगर आप वीडियो स्किप कर दिए तो मैं बोलता हूं आप समझ नहीं पाइएगा कि कैसे इस जॉब को हासिल करना है, और अगर बने रह गए तो इस वीडियो को देखते ही आप इस जॉब को हासिल करने की 50% की प्रक्रिया आप पूरी कर लेंगे, क्योंकि मैं जो जो स्टेप बताऊंगा वो सारे स्टेप्स आपको समझना जरूरी है। ऐसी रिक्रूटमेंट अपने शहर में आपको ये बार बार नहीं आती है, इस चीज को समझना होगा आपको। दुमका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रिक्रूटमेंट बहुत कम निकलती है, पर निकली है तो इसे आपको हासिल करना होगा। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जी हां दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल गेट नोटिफाइड में। दोस्तों, मैं जिस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बता रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पाना है तो आपको समझना होगा इसको पहले पूरी प्रक्रिया को, और क्या क्या निर्देश आपको दिया गया है इसको लेने के लिए ये भी समझना होगा। ऐसे तो मैं PDF गवर्नमेंट की वेबसाइट और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपना लोकेशन हमें जरूर कमेंट किया करें। जिस तरह के हमें ये लोकेशन का कमेंट आया था कि दुमका में सर कोई रिक्रूटमेंट है तो बताइए सर, हमें वहां से भी जॉब चाहिए होगा सर, तो मैंने वहां के लिए वीडियो बनाई है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अपने अपने लोकेशन बताते हैं, हम उस लोकेशन के लिए जॉब ढूंढते हैं कि उस लोकेशन पे भी कोई रिक्रूटमेंट, कोई अगर वहां पे वैकेंसीज चल रही है तो वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपना लोकेशन को जरूर कमेंट किया कीजिए, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। हम इससे भी अच्छी अच्छी और ऐसी अच्छी अच्छी बहुत सारी वैकेंसीज आपको अपडेट कराते रहते हैं, और ना जाने कितने बच्चे इस से जुड़कर जॉब हासिल कर भी चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, आप सोच सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या जरूरी है। पहले क्या नीड है हमारे पास कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप इसको चेक कीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अपने में मिलाइए, मिला सकते हैं वीडियो को देखते देखते ही। आपके पास आधार कार्ड बिल्कुल होगा, आधार कार्ड होना यहाँ सबसे पहले मैंडेटरी है। दूसरा क्या होता है कि दो पासपोर्ट साइज जो कि रिसेंट में लिया हो वो आपके पास होना चाहिए, पुराना मत लीजिएगा, रिसेंट कलरफुल होना चाहिए दो पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद आपकी बात करते हैं तो हम बायोडाटा, एक रिज्यूम जो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाता है आपके लिए, वो रिज्यूम आपके पास होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल फॉर्मेट में रिज्यूम को चेक किया जाता है। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, आपको रिज्यूम बनाने में कोई असुविधा हो रही है, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हम आपकी मदद करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, हम जब रिज्यूम की बात कर लिए तो अब बात होता है योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो भी चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, इन सब का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आप जरूर अलग अलग एक फाइल बना के कैरी करना होगा आपको, ये दोनों लेके जाना होगा आपको। इसके बाद की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि हम क्या क्या इसमें और प्रक्रिया होगी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सेक्टर में जॉब है, जी मैं कंप्लीट बात बताने वाला हूँ उस वीडियो में, बीच में स्किप ना कर समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझना है यहाँ पे। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं साथ में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और इंस्टा आईडी से हमारे आप जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पर हमें अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने डाउट को पुट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे आप। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ पोस्ट की। पोस्ट में है F&B जो कि है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, दूसरा है H&K जिसमें हाउसकीपिंग प्लस किचन के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े मशीन होते हैं उनको आपको हैंडल करना होता है, वहाँ की सर्विसेज आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एज की। एज इसमें देखिए दोस्तों रखा गया है 18 ईयर टू 30 ईयर, 18 साल से 30 साल तक की उम्र के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी अभियुक्त है, वो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा गया है दोस्तों 8th पास से लेकर ग्रेजुएट तक की, जो भी आपकी है ग्रेजुएशन तक की किए हुए हैं आप, तो वहाँ तक के अभ्यर्थी आप पढ़े लिखे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको आपको जाके वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ जाना पड़ेगा। पहले आपको ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है आपको दुमका में है,
आईटीआई कॉलेज रोड जो है आपका वहाँ पे है बगल में, जिसमें आपको जहाँ पे रोज़गार की बहुत सारी कैंप लगती है हर साल, ये भी एक कैंप लगी है। इस कैंप में जाइएगा आप तो यहाँ पे आपको आपको अपना एक निबंधन कार्ड होगा बना हुआ, नहीं बना हुआ तो बनवा लें, वो आपके पास होना चाहिए, तो वो लेके जाइएगा आप, डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और आपको अपने साथ वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू करा के ही आपको हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर भी दे देती है, जिससे आप सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हैं उस कंपनी में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कौन सा कंपनी है जिस कंपनी में आपको ये जॉब लगेगी, तो ये है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी। ये बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे आपकी नौकरी लगेगी। इसका नाम सुन के ही आपको लग रहा हो कि ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, मल्टीनेशनल लेवल कंपनी है, इसको आप जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, सैलरी भी आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 10,000 से लेके 15,000 तक इसकी स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है, जहाँ पे आपकी योग्यता के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। रहना खाना सारा आपका फ्री है साथ में, जो कि पूरी पैसे आपकी वहाँ पे बचेंगे, जिसको आप आधे पैसे घर पे भेजिएगा, आधे पैसे जब आप किसी बड़े शहर में रहकर इस नौकरी को कीजिएगा तो वहाँ पे आपको उस पैसे को एंजॉय करने में काम आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जॉब लोकेशन का। आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा और बहुत मजा आएगा कि इतने बड़े बड़े शहरों में आप जाके, इतनी अच्छी कंपनी में जाके आप जॉब कीजिएगा, वो भी अपने शहर में आपकी इसकी रिक्रूटमेंट हो रही है। इससे बड़ी बात खुशी की कोई और हो नहीं सकती। पहला शहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, बंगलोर, पुणे, राजस्थान, इतनी बड़ी बड़ी शहरों में आपकी नौकरी लगेगी दोस्तों। इसकी आवेदन की तिथि दोस्तों 11 अक्टूबर की डेट को है जो उसको निर्धारित किया गया है, जिसको आप वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप इसको आराम से जॉब को हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में देख के सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी लेट कर गए होंगे, चूक गए होंगे, उनको अब पता चला होगा, या हो सकता है कि लेट लास्ट डेट के समय ये पता चला होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मुझे कहना है कि आपका लेट होने का कारण एक ही है कि आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे और भी नोटिफिकेशन हम जॉब की अपडेट कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए आप, तो ही आप ऐसे अच्छे अच्छे जॉब को आप समय पे समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और हासिल भी कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, रेड कलर का बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है जो आपके लोकेशन पे ही आपको मिलेगी। तो ऐसे के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। लोकेशन अपना हमें आप जरूर कमेंट किया करें, हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि आपके जितने कमेंट्स मिलते हैं लोकेशंस के, हम उतना अच्छा रिजल्ट ढूंढने के लिए आपके लिए जॉब के लिए प्रेरित रहते हैं और ढूंढते भी हैं। दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखा है तो उसके लिए भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, जिसको आप इस आइकन पर चेक कर सकते हैं, और अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस आइकन पर क्लिक करें, यहां से आपको बहुत सारी जॉब की नोटिफिकेशंस मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो इस आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट इस आइकन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।